जरा सोचो, एक ऐसा समय जब समय ही नहीं था। 4.5 अरब साल पहले हमारा सूर्यमंडल बहुत छोटा था। ये धूल और गैस का एक घूमता हुआ बादल था। ये बादल बहुत विशाल था, ये अराजक था। लेकिन इस अराजकता के भीतर एक खूबसूरत नृत्य शुरू होने वाला था। गुरुत्वाकर्षण ने इस धूल और गैस को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। ये बादल घूमता रहा और चपटा होकर एक डिस्क का आकार ले लिया। इस घूमती हुई डिस्क के केंद्र में एक तारे का जन्म हुआ, हमारा अपना सूर्य। छोटे छोटे कण आपस में चिपकने लगे और बड़े बड़े पिंड बनने लगे। ये हमारे ग्रह पृथ्वी और उसके खगोलीय साथी चंद्रमा की शुरुआत थी। शुरुआती सौर मंडल बहुत ही व्यस्त जगह थी। सौर निहारिका के अवशेष, धूल और गैस के कण हर जगह थे। गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए ये कण एक दूसरे से चिपकना शुरू हो गए। जैसे जैसे ये झुंड बड़े होते गए, वैसे वैसे उनका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता गया। कल्पना कीजिए कि एक बर्फीली पहाड़ी से एक स्नोबॉल लुढ़क रहा है। ग्रहों के ये बढ़ते हुए पिंड, जिन्हें ग्रहाणु कहा जाता है, ग्रहों के निर्माण खंड थे। आंतरिक सौर मंडल में, जहां सूर्य की गर्मी बहुत तीव्र थी, पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह बनने लगे। जब पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, थिया नामक एक मंगल ग्रह के आकार का आदि ग्रह दृश्य में आया। सौर निहारिका की घूमती हुई डिस्क से बना थिया भी हमारे युवा ग्रह के साथ टकराव के रास्ते पर था। दो कारों की कल्पना करें जो एक दूसरे की ओर तेज गति से आ रही हैं और रास्ते से हटने में असमर्थ हैं। प्रभाव प्रलयकारी था। इसने युवा पृथ्वी की नींव हिला दी। पिघली हुई चट्टान और मलबा अंतरिक्ष में उछल गया, जिससे हमारे ग्रह के चारों ओर आग का एक छल्ला बन गया। उस सबसे विस्फोटक आतिशबाजी के प्रदर्शन की कल्पना करें जिसे आपने कभी देखा है, उसे 10 लाख गुना बढ़ा दें। यह घटना हालांकि विनाशकारी थी, पृथ्वी और चंद्रमा की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस ब्रह्मांडीय टकराव की राख से एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, एक ऐसा अध्याय जो हमारे सबसे करीबी खगोलीय साथी को जन्म देगा। थिया प्रभाव से अंतरिक्ष में फेंका गया मलबा गायब नहीं हुआ। गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए वे आपस में टकराने लगे। पृथ्वी के चारों ओर एक चक्करदार नृत्य की तरह घूमते रहे। समय के साथ मलबे का यह वलय आपस में मिल गया, एक गोला बन गया, ठंडा हुआ और जम गया। यह था, मेरे दोस्तों, हमारे चंद्रमा का जन्म। कल्पना कीजिए कि पानी की एक बूंद शांत सतह पर गिरती है, प्रभाव एक छोटी बूंद बनाता है जो बाहर की ओर उड़ती है। इसी तरह चंद्रमा का जन्म थिया के पृथ्वी से टकराने से बने छींटे से हुआ था। नवगठित चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब था जितना आज है। इसने रात के आकाश को एक ज्वलंत चमक से रोशन किया, जो अभी भी ठंडी ज्वालामुखीय पृथ्वी के विपरीत थी। भाग 5, पृथ्वी का उग्र बपतिस्मा, एक मैग्मा महासागर की कहानी। थिया के साथ प्रभाव का युवा पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ा। टकराव से निकली ऊर्जा ने हमारे ग्रह की सतह के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पिघला दिया, जिससे पिघली हुई चट्टान का एक विशाल उग्र महासागर बन गया, जिसे मैग्मा महासागर के रूप में जाना जाता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो पानी से नहीं बल्कि चमकते लावा के समुद्र से ढकी हो, अकल्पनीय गर्मी से बुदबुदाती और मथती हो। यह पृथ्वी की प्रारंभिक सतह थी, तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि का एक नरक। लाखों वर्षों में यह मैग्मा महासागर धीरे धीरे ठंडा हुआ और जम गया, जिससे हमारे ग्रह की पहली परत बनी। लेकिन पृथ्वी शांत होने से बहुत दूर थी। ज्वालामुखी विस्फोट सतह को फिर से आकार देते रहे, जबकि ठंडे मैग्मा से निकलने वाली गैसों ने हमारे वायुमंडल की शुरुआत की। भाग 6, चंद्र, ज्वालामुखी और एक पिघला हुआ दिल। चंद्रमा ने भी एक उग्र शुरुआत का अनुभव किया। इसका आंतरिक भाग, इसके निर्माण की ऊर्जा और तत्वों के रेडियोधर्मी क्षय से गर्म होकर पिघला हुआ भी था। चट्टान की एक विशाल गेंद की कल्पना करें
जो अंदर से बाहर तक लाल गर्म चमक रही है। यह पिघली हुई चट्टान ज्वालामुखियों के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर फूट पड़ी, जिससे ज्वालामुखीय बेसाल्ट के विशाल मैदान बन गए जिन्हें हम आज देखते हैं। चंद्रमा पर ये काले धब्बे, जिन्हें कभी शुरुआती खगोलविदों ने समुद्र समझ लिया था, चंद्रमा के अपने ज्वालामुखी अतीत की याद दिलाते हैं। समय के साथ चंद्रमा ठंडा हुआ और जम गया, इसकी ज्वालामुखी गतिविधि बंद हो गई, लेकिन इसके उग्र अतीत के प्रमाण इसकी सतह पर अंकित हैं, जो हमारे खगोलीय साथी को आकार देने वाली गतिशील शक्तियों का प्रमाण है। भाग 7, सृजन के निशान, क्रेटर और उनकी कहानियां। प्रारंभिक सौर मंडल एक अराजक शूटिंग गैलरी थी। बचे हुए ग्रहाणु और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर उनकी सतहों पर बमबारी करते रहे। ये प्रभाव निशान छोड़ गए। सभी आकार और आकार के क्रेटर, जो एक हिंसक अतीत की कहानी कहते हैं। गुल्ली डंडा के एक ब्रह्मांडीय खेल की कल्पना करें, जिसमें क्षुद्र ग्रह और ग्रहाणु खिलाड़ी के रूप में हों और पृथ्वी और चंद्रमा लक्ष्य के रूप में हों। प्रत्येक प्रभाव ने अपनी छाप छोड़ी, कुछ छोटे कुछ बड़े, जो आज हम जो परिदृश्य देखते हैं उसे आकार देते हैं। चंद्रमा अपने वायुमंडल या महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक गतिविधि की कमी के साथ इन क्रेटरों को अरबों वर्षों तक संरक्षित रखता है। दूसरी ओर पृथ्वी कटाव, ज्वालामुखी गतिविधि और प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से अपनी सतह को लगातार बदलती रहती है, जिससे इसके शुरुआती प्रभाव के कई निशान मिट जाते हैं। भाग 8, अनुत्तरित प्रश्न। रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। जबकि विशाल प्रभाव परिकल्पना पृथ्वी चंद्रमा के गठन के लिए एक सम्मोहक व्याख्या प्रदान करती है, कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। थिया के प्रभाव का सटीक कोण, स्वयं थिया की संरचना और चंद्रमा की पिघली हुई सतह कैसे ठंडी हुई और जम गई, इस बारे में आज भी वैज्ञानिकों द्वारा बहस की जा रही है। एक विशाल पहेली की कल्पना करें, जिसमें कुछ टुकड़े गायब हैं। हमें समग्र तस्वीर की अच्छी समझ है, लेकिन बारीक विवरण मायावी बने हुए हैं। कुछ वैज्ञानिक विशाल प्रभाव परिकल्पना में बदलाव का प्रस्ताव करते हैं, जिसमें कई प्रभावों या एक अलग प्रकार के टकराव का सुझाव दिया गया है। अन्य लोग चंद्र चट्टानों और उल्कापिंडों में सुराग ढूंढ रहे हैं, इस उम्मीद में कि इन खगोलीय समय कैप्सूल के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर किया जा सके। भाग 9, आगे देखना, चंद्र अन्वेषण का भविष्य। चंद्रमा के निर्माण के रहस्यों को उजागर करना केवल समय में पीछे मुड़कर देखने के बारे में नहीं है, यह हमारे अपने ग्रह के विकास और समग्र रूप से प्रारंभिक सौर मंडल की गतिशीलता को समझने के बारे में भी है। आने वाले वर्षों में चंद्रमा पर नए मिशन की योजना बनाई गई है, जिसका लक्ष्य अधिक डेटा एकत्र करना, चंद्र चट्टानों का अधिक विस्तार से अध्ययन करना और यहाँ तक कि हमारे खगोलीय पड़ोसी पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना है। ये प्रयास चंद्रमा के इतिहास और पृथ्वी के साथ उसके संबंधों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने का वादा करते हैं। चंद्रमा का अध्ययन करके हम अनिवार्य रूप से एक ऐसे दर्पण में देख रहे हैं, जो हमारे अपने ग्रह के अतीत को दर्शाता है। प्रत्येक नई खोज हमें उस विस्मयकारी यात्रा को समझने के करीब लाती है, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है। भाग 10, निष्कर्ष। एक कालातीत बंधन। पृथ्वी और चंद्रमा की कहानी ब्रह्मांडीय हिंसा और सृजन की कहानी है, जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और खगोलीय पिंडों के भव्य नृत्य का प्रमाण है। धूल और गैस के घूमते हुए बादल से एक उग्र टकराव और एक पिघली हुई शुरुआत के माध्यम से हमारा ग्रह और उसका चंद्रमा अराजकता से सुंदरता पैदा करने की ब्रह्मांड की क्षमता के प्रमाण के रूप में उभरा। आज रात जब आप चंद्रमा को देखें, तो उस अविश्वसनीय यात्रा को याद करें जो उसने की है,
एक ऐसी यात्रा जो हमारी अपनी यात्रा से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। अरबों वर्षों से इस खगोलीय जोड़ी ने एक गहरा संबंध साझा किया है, एक दूसरे के ज्वार को प्रभावित किया है, एक दूसरे की नियति को आकार दिया है और हमें उन विस्मयकारी अजूबों की याद दिलाई है जो हमारी दुनिया से परे हैं।